सेगांव में वरिष्ठ व्यापारी संघ ने स्थानीय कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर के मुख्य आतिथ्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तम पाटीदार की अध्यक्षता और रेवाराम पाटीदार जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विशेष आतिथ्य में किया गया। सम्मेलन में धार से आए कवि जानी बैरागी के देर रात तक धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी और देश प्रदेश संबंधी एक से बढ़कर एक हास्य रचना सुनाकर श्रोताओं को हंसा हंसा कर पेट पकड़ने पर मजबूर कर दिया। कवि सम्मेलन में देर रात 2 बजे तक कोरोना महामारी के बाद पहली बार लोगों ने हास्य कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लिया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। भगवान श्री राम के पास में भगवान श्री राम की बातें करी तो उनको यही मालूम है रावण को इतनी सारी बातें करी भगवान श्री राम के तो सुग्रीव के पास में 18 जूत था तो बंदर यानी कि कितने हजार वानर थे इतने सारे वानर में जो सबसे पहले लेकिन निमाड़ की जनता इनका स्वर इनकी भावना और इस ब्राह्मण की आवाज है हेमंत आज की निशा उम्र भर आज की उम्र भर भारत को आज की रात रहेगी उम्र भर भारत को आज की रात रहेगी और आपके मुंह पर इन लोगों की बात रहेगी। आज कवि सम्मेलन चलेगा मस्ती भरा और कल से निमाड़ में बरसात रहेगी कल से निमाड़ में गाँव शहर में आके आपको कैसा लग रहा है मैम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों का बड़ा स्नेह है हम तक पहुँच रहा है तो बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ के जो व्यापारी वरिष्ठ व्यापारी संघ के जो लोग हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से स्वागत किया और कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफल बनाने में पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कवि सम्मेलन के प्रति जैसे सुनने में आ रहा है कि लोगों की रुचि कम हो रही है टीवी मोबाइल वगैरह के कारण, इसमें आपका क्या विचार है? ऐसा नहीं है, श्रोताओं का एक स्वाद होता है लेकिन यहाँ बिल्कुल जो जहाँ साहित्य होता है वहाँ लोग साहित्य तक पहुँच ही जाते हैं और अच्छे लोग सिर्फ अच्छाई देखते हैं, मोबाइल में देखते तो है लेकिन वहाँ में और यहाँ में अंतर तो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं मैम आप? निशा पंडित। थैंक यू वेरी मच। मैम आप पहली बार आए हैं माताजी की नगरी में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलके माताजी की नगरी में आकर, और ये मेरा अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आप सभी से मिलना हुआ, माताजी के दर्शन करने को सौभाग्य मिला। और वैसे सब सारा बहुत अच्छा रहा, जहाँ भी देश में जाते सब अच्छा रहता, लेकिन आप लोगों से मिलके बहुत आत्मीयता लगी, बहुत अपनापन लगा। तो कवि सम्मेलन में दिन प्रतिदिन लोगों की कमी कम हो रही, क्या कारण है? नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, हाँ कोरोना की वजह से कुछ असर तो पड़ा है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ कविता के चाहने वाले लोग रहते हैं वो तो बहुत कई कई किलोमीटर से चल के आते हैं सुनने के लिए, खासकर जो नाम रहते हैं नामी उन लोगों को सुनने के लिए तो जरूर आते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम वैसे तो रश्मि चंद्रवंशी है लेकिन साहित्य की दुनिया मुझे रश्मि किरण के नाम से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।